समस्त मातृ शक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की अति प्राचीन व्रत कथा और चंद्रोदय का समय भी आज आपको हम बताएंगे और इस दिन पूजन अर्चन किस प्रकार से करना चाहिए वह विधि भी आपको हम बताएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर 2021 रविवार को रहेगी। तो महिलाएं जीवन साथी की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की कामना से दिन भर निर्जल व्रत रखती है। इस बार करवा चौथ पर्व पर 5 वर्षों के बाद विशेष योग बन रहा है। इस बार करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र और रविवार का संयोग बन रहा है। यह संयोग पूरे 5 साल बाद आया है। इस संयोग में भगवान श्री गणेश जी के साथ ही भगवान सूर्य देवता की भी विशेष कृपा मिलेगी। तो इस दिन व्रत रखने से भगवान गणेश जी के साथ सूर्य देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकेगा। तो करवा चौथ का व्रत निर्जल किया जाता है। इस व्रत में चंद्रमा के उदय होने पर भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ दे करके इस व्रत को समाप्त किया जाता है, यानी पारण किया जाता है। तो चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की जन्म तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन महिलाओं के साथ कोई भी व्यक्ति इस दिन उपवास रख सकता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, इसीलिए इस व्रत के रखने से जहां विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा करती हैं, वहीं कुमारी युवतियां इस व्रत को रख करके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकती हैं और योग्य वर की प्राप्ति कर सकती हैं। तो करवा चौथ पूजन के लिए चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। महिलाएं चंद्र दर्शन करके अपना व्रत खोलेगी। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 3:01 से आरंभ होकर के तो अगले दिन 25 अक्टूबर को प्रातःकाल 5:43 तक रहेगी। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:11 पर रहेगा। इस समय में आपको चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए और पूजन का शुभ मुहूर्त शाम के 6:55 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:51 तक रहेगा। तो करवा चौथ का पूजन जो महिलाएं व्रत करती हैं उनको कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। इस दिन सुई धागा कढ़ाई सिलाई आदि से बचना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए और भूरे और काले रंग के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। इस दिन दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन गेहूं अथवा चावल के दाने हाथ में लेकर के करवा चौथ की यह प्राचीन व्रत कथा सुनना चाहिए और इस दिन बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी पर शिव जी, पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय जी, गणेश जी, चंद्रमा की मूर्तियों की स्थापना करें। यदि मूर्ति ना हो तो सुपारी पर धागा बांध करके उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए देवी देवताओं का स्मरण करके करवे सहित बाईने यानी खाने पर जल, चावल और गुड़ अर्पित करना चाहिए। तो करवा चौथ के अति प्राचीन पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें भगवान गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन और दान से प्रसन्न किया जाता है। तो इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में बताया है, परंतु विशेषता इसमें यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें इस पुण्यदायिनी कथा को सुनकर के चंद्रोदय में अर्घ देकर के इस व्रत को खोला जाता है। तो कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 पुत्र थे, 1 कन्या थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, अभी चंद्रमा उदय नहीं हुआ है, उसके निकलने पर अर्घ्य दे करके मैं भोजन करूंगी। तो बहन की बात सुनकर के भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर के अग्नि की ज्वाला जलाई और छलनी ले जाकर के उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा उदय हो गया है, अर्घ दे करके भोजन कर लो। और उसने अपनी
भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा कि भाई जी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। तो भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, अनसुना कर दिया। वह भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर के उसने भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से भगवान गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए, उससे रुष्ट हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। भगवान गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति भक्ति सहित कर्म को देख करके भगवान गणेश जी उस पर अति प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे करके उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होंगे, सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे, भगवान गणेश जी की विशेष कृपा उनको मिलेगी और पति को दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी, घर में सुख सौभाग्य धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा था। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा था। तब चिंतित होकर के शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ, उसके लिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने वाली है, तो उस दिन तुम पूरे मन से व श्रद्धापूर्वक करवा चौथ का व्रत रखना। तो भगवान शिव गणेश जी पार्वती जी की उपासना करना तो तुम्हारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा पालन करके द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत रखा। तब श्रद्धापूर्वक व्रत करने से शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दुख कष्ट दूर हो गए। तो जब माता पार्वती जी द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घ आयु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी तब शिव जी ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत रखने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का उल्लेख किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था, निर्बल था। एक दिन वह जब नदी के किनारे वस्त्र धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबा करके यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख करके घबराया और जब उसने उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कह करके अपनी पति को पुकारने लगा था। पति की पुकार सुन करके धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह भी किया और बोली कि हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। तो करवा की पुकार सुनकर के यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा कि अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। तो करवा का साहस देख करके यमराज भी डर गए, मगर को यमपुरी भेज दिया, साथ ही करवा के पति को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया था, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। तो यह थी करवा चौथ की पुण्यदायिनी व्रत कथा। तो करवा चौथ व्रत का उद्यापन इस प्रकार से किया जाता है। इस दिन उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह चार दो दो पूड़ी रखी जाती है और थोड़ा सा हलवा लिया जाता है और उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और
कोई भी दक्षिणा आदि रखना चाहिए। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर करके अपनी सासू जी के पांव लगा करके उन्हें देना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करके 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। दान दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।